अक्सर आपने सुना या देखा होगा, मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में जूते चप्पल चोरी होना आम बात है। इसको लोग सामान्य घटना मानकर चुपचाप नंगे पैर ही अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक युवक ने अपने चप्पल चोरी होने पर तुरंत FIR दर्ज करवा दी। आपको बता दें कि व्यक्ति ने ऑनलाइन फिर पोर्टल पर चप्पल चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई है, जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल कानपुर के दबौली इलाके में रहने वाले कांतिलाल निगम एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में जॉब करते हैं। वह रविवार को शहर के प्रसिद्ध भैरव बाबा मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। दर्शन करने से पहले उन्होंने पूजा पाठ सामग्री वाली दुकान के बाहर अपनी चप्पलें उतार दी। जब लौट कर आए तो दुकान के बाहर से उनकी चप्पलें चोरी हो चुकी थी। मंत्रियों के भैंस और बकरी को ढूंढती है पुलिस, क्या चप्पलों को ढूंढेगी? फरियादी ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि अक्सर हमने देखा है कि किसी भी राजनेता की कोई भी वस्तु चोरी हो जाती है, चाहे वह भैंस हो या बकरी, तो प्रशासन उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। तो फरियादी ने इसी उम्मीद से अपनी चप्पल चोरी की भी FIR करवाई है। RJI न्यूज 24 के लिए फरमान की रिपोर्ट। क्या नाम है, क्या करते हैं आप? मेरा नाम कांति सगन निगम है। मैं एक निजी कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन अप्लायंसेस की होम डिलीवरी करता हूँ। आपने एक ऑनलाइन FIR करवाई है, क्या है पूरा मामला? सर ये ऑनलाइन FIR आज की घटना है। आज सुबह 8 बजे मैं गया था भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए। हमेशा की तरह वहाँ पे जैसे दर्शन का नियम है वैसे मैंने किया। जब मैं वापस आया तो मेरी वहाँ पे नई चप्पल गायब हो गई थी। तो नया था तो स्वाभाविक था कि आदमी आसपास देखता ही देखता है। मैंने देखा, मुझे नहीं दिखा। उसके बाद मैंने वहाँ पे फूल बेचने वाले दुकानदार से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे नई चीज़ है तो गायब तो हो ही जाना है। यहाँ पे भैया आगे ताड़े रहते हैं, अनेक चीज़ें गायब हो जाती हैं। बस ये चीज़ मुझे पॉइंट कही गई। और जब मैं घर पे आया तो मैं नंगे पैर ही आया वहाँ से, क्योंकि मुझे लगा कि नई चीज़ गायब होती है इसका मतलब यहाँ पे कोई एक गिरोह या कोई चोर उचक्के टाइप के लोग यहाँ पे घूमते हैं। फिर अक्सर आप लोग भी देखते होंगे अखबारों में आता रहता है कि मोबाइल चोरी हो गया, मंदिर से पर्स चोरी हो गया, कोई ना कोई क्राइम होता है। मैंने इसी सबको संज्ञान में लेते हुए आज पर्सनल अपना इशू ऑनलाइन FIR में डाला है और उसमें थाना गौर टोली क्षेत्र के अंतर्गत ऑनलाइन FIR दर्ज हो गई है। और मुझे पूरा विश्वास उत्तर प्रदेश पुलिस पर कि जांच होगी। और उस पर मैंने सुझाव भी दिया है कि यदि सर ऐसा हो रहा है कि जो बहुत ही आस्था से मंदिरों में जाता है उसके बाद में उनके चप्पल जूते और कीमती सामान चोरी हो जाते हैं, तो इस पर वहाँ के स्थानीय पुलिस संज्ञान में गए और जो वहाँ के बस्ती के लोग या जो चोर टाइप के लोग घूमते हैं उन पर निगरानी करें। यदि हो सके बरामदगी तो मेरी चप्पल मुझे मिल जाए। मैंने चप्पल की पूरी डिटेल ऑनलाइन FIR में दे दी है। कितनी मेहनत से खरीदी चप्पल? जी सर, चप्पल कैसे खरीदी थी? ये चप्पल तो सर साधारण तरीके से मार्केट से खरीदी गई थी, लेकिन वो चप्पल एक तरह से हमारे लिए बहुत ही यकी था। सिंपल चप्पल है, मैंने फोटो भी डाली हुई है उसमें, आप देखेंगे। और फोटो कई मीडिया वालों ने भी की हुई है, लेकिन वो चप्पल कहते हैं कुछ चीज़ें अपने जीवन की यकी होती हैं, तो वो हमारे लिए बहुत यकी चीज़ थी। अब वो आज मेरे से चली गई तो मुझे थोड़ा दुख हुआ अंदर से। अभी तक उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो कभी भैंस पकड़ती थी तो कभी गाय बरामद करती थी, तो क्या आपको उम्मीद है कि आप यूपी की जो पुलिस है वो आपकी चप्पल ही बरामद? सर यदि आप पुलिस पर सवाल उठाएंगे तो मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस पर इतना विश्वास है कि इतनी हाईटेक पुलिस है। अगर देखिए, चप्पल चोरी होना एक साधारण चप्पल का विषय नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बात ये चप्पल का चोरी होनी थी, पुरानी चप्पल भी तो पड़ी थी, चोरी होती हैं। नए जूते चप्पल की चोरी होते हैं, नए मोबाइल फ़ोन की चोरी होते हैं, किसी के पर्स क्यों चोरी हो जाते हैं? बात यहाँ पे ये आ गई है। और ये बात पुलिस की कि अगर पुलिस गाय भैंस बकरी पकड़ती है, वो बरामद होती है, तो ये साबित करता है कि पुलिस के पास जो क्षमता है, वो तकनीक है कि वो इन चीज़ों को पकड़ सकती है, चोरों को सजा दिलवा सकती है। सर हमें इतनी तो उम्मीद है कि चप्पल मिले ना मिले वो तो लेकर आएगा, जाँच का विषय है। लेकिन इस चक्कर में कानपुर के जितने धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर जो चोर उचक्के और बदमाश सक्रिय होकर घूम गए हैं उन पर कार्रवाई जरूर होगी, इतना मुझे पुलिस पर विश्वास है। क्या ऐसे नंगे पर घूमते रहोगे? नहीं सर, आज का घटना क्या थी कि आज जब से मैं आया हूँ वहाँ से 10 बजे के बाद से, मुझे अपने फैमिली के पर्सन को अस्पताल के जाना था, मैं वहाँ लेके गया। फिर उन चप्पल जाम उसकी दूसरी पहनी नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा गुस्सा भी था इस बात पर। और मेरे एक मित्र थे, उन्होंने दो शब्द करके ग्रुप में डाल दिया तो कानपुर में बात भी फैल गई। बस ये चीज़ सर। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RJI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।